अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? प्रोग्राम है लज़्ज़त बाइस क्वेश्चन और मैं हूं आपकी अपनी शेफ फरार। रोज़ाना हम होते हैं आपके साथ शाम 6 से 7। हमारे प्रोग्राम की रिपीट टाइमिंग है दोपहर 1 से लेकर 2 बजे तक। आपने देखा कराची का मौसम कैसा बदला है, बारिशों का सिलसिला ना रुकने वाला, ना थमने वाला सिलसिला इस तरह से शुरू हुआ है कि हर तरफ जल थल हो गया है। और कल भी मैंने लाइव कवरेज दी थी घर से, इसीलिए दी थी कि थोड़ा सा आइडिया हो कि जो पोश एरियाज हैं वहाँ पे भी कितना बारिश का पानी है। और कुछ अजीब सा सिलसिला है ना, आधे इलाके में बारिश हो रही है और आधे इलाके में बारिश नहीं हो रही। आप भीगते हुए आधे की तक आते, जब आगे जाते तो सब पूछते भाई कहाँ से आ रहे हैं आप, जो आप इतने गीले हुए हुए, तो आप बताते जी पीछे इलाके में तो इतनी बारिश हो रही है और यहाँ जो बाकी एरिया है उसमें बारिश नहीं हो रही। तो कहीं आप एक्सक्यूज भी नहीं दे सकते कि हाँ जी हमारी तरफ बहुत बारिश हो रही है, हम नहीं निकल सकते, बिकॉज जहाँ पे आपने पहुँचना है वो कहते जी हमारे इलाके में तो बारिश नहीं हो रही है, आप पहुँच जाइए। सो कुछ अजीब से सिलसिला हुआ है भाई, या तो पूरे शहर में बारिश हो जाए या पूरे शहर में बारिश का होने वाला सिलसिला थम जाए, मतलब एक सिचुएशन हो जाए। सो खैर, ये अल्लाह ताला की तरफ से, इसमें इंसान का तो कोई हाथ ही नहीं है कि किस तरीके से चीज़ें मैनेज हो रही हैं। अल्लाह ताला बेहतर समझते हैं, अल्लाह की मसलियत है। सो लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, इलेक्ट्रिसिटी की जो चीज़ें हैं, जो स्विच बोर्ड्स हैं, उन चीज़ों से आपने थोड़ा सा दूर रहना है। गीले हाथों से आपने उनको टच नहीं करना है। आपने जो स्लीपर्स पहनी हुई हो वो थोड़ी ड्राई होनी चाहिए। घर में काम करते हुए एहतियात के मामलात करने, गैर ज़रूरी घर से ना निकलें, बिकॉज आपकी सेफ्टी जो कॉशंस हैं वो सब फर्स्ट प्रायोरिटी पे हैं। एहतियात करना सबसे मुनासिब है, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी की जो कीमत है वो कोई अदा नहीं कर सकता है। क्योंकि हम जितना वैल्यूएबल आपका फैमिली मेम्बर आपके लिए होता है, वो किसी और के लिए शायद इतना वैल्यूएबल नहीं हो। लेकिन एहतियात थोड़ी सी, वो कहते हैं ना जी अगला क्या कहेगा, ये सामने वाले ने क्या बात कहनी, तो वो सारी चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती हैं। आपकी ज़िंदगी ज़्यादा वैल्यूएबल है, सो उसको अच्छे से गुजारें। थोड़ी सी एहतियात कर लेने से कुछ नहीं हो जाता। लेकिन जहाँ पे साथ साथ आप कोशिश करते हैं, एहतियात वाले मामलात हैं। हमने देखा है कि ऑनलाइन जो फूड डिलीवरी करने के लिए लोग निकले हुए होते हैं, कल भी मैं देख रही थी, अपने एरिए में भी देख रही थी कि इतनी ज़्यादा बाइक्स स्टक डाउन हुई हुई हैं और वो तमाम बाइक्स जो हैं ख़राब हुई हुई थी और उसमें जो डिलीवरी मैन से वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए हुए थे। सो इस मौसम में जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी भी हुई हुई है, जगह जगह पानी खड़ा हुआ है, सो कोशिश करें घर में साफ़ सुथरा हाइजीनिक खाना बनाएं। थोड़े मामला सेटल डाउन हो जाते हैं, सो ज़रूर मंगाएं आप बाहर से खाना, इन्जॉय करें बाहर का फूड। ऑनलाइन फूड सर्विसेज में जो खाने मिल रहे हैं उसको बिल्कुल इन्जॉय करें। लेकिन इस मौसम में जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है, अनहाइजेनिक फूड मिल रहा है, डिलीवरी मैन भी स्टक डाउन हो जाते हैं एरिया में, सो वहाँ थोड़ी सी एहतियात कर लें, अपना भी ख्याल करें, साथ दूसरों का भी ख्याल करें, ताकि सबके लिए आसानी वाले मामलात हो। तो चलते हैं आज किचन में, देखते हैं कौन है हमारे साथ, क्या खाना बनने जा रहा है। सो किचन की तरफ चलते हैं और आज की रेसिपीज देखते हैं क्या बनने जा रहे हैं। आज तो मैं भी पूरे जो है ना, कुछ रैनी जो वेदर है ना उसके हिसाब से आई हुई हूँ, बिकॉज हम लोग आज निकले थे कुछ काम के सिलसिले में, तो आधे एरियाज में इतनी ज़्यादा बारिश, आधे एरियाज में गाड़ियाँ रुक गई सारी, मेरी अपनी गाड़ी भी ख़राब हुई और इतना ज़्यादा बारिश में हम लोग भीग गए थे कि बैग्स, हालांकि वो पैराशूट बैग से उसमें पानी इस तरह नहीं जाता, लेकिन इतनी हैवी रेन थी कि सारा सामान भी गीला हो गया। सो ये सारी चीज़ें भी हो जाती हैं, बड़ी जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हम कहते हैं जिसको फेस करना पड़ता है, सो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जहाँ पे बात हम कर रहे होते हैं हाइजीन की, सेफ्टी की, साफ़ सुथरा खाना खाने की, अच्छा फ्राइड आइटम बड़े अच्छे लगते हैं रमज़ान के महीने में, तो लगते हैं मेरे ये वल्ला आलर क्या मामला है कि मेरी ज़बान पर रमज़ान का हर वक्त तो वो नाम रहता है। सो जहाँ रमज़ान के महीने में फ्राइड आइटम बहुत अच्छे लगते हैं, वहाँ पर बारिश बरसात के मौसम में जो तले हुए पकवान हैं वो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। सो जब आप बाहर से खाने मंगाते हैं उसमें तेल और घी की जो क्वालिटी है वो सही नहीं होती है, जिसकी वजह से तबीयत खराब होने लगती है, तेजाबियत हो जाती है, मैदे में जलन होने लगती है, खट्टी ढकारें आने लगती हैं,
यानी कि आपकी बॉडी पूरा एसिटिक बिहेव कर रही होती है. सो उसके लिए ज़रूरी होते हैं बॉडी को अल्कलाइन करना. तेल और घी घर पे अच्छी क्वालिटी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बाहर अमूमन ऐसा नहीं होता है. सो तेल और घी की जब बात आती है तो नया कुकिंग ऑयल ऑफकोर्स देखा भाला है, साफ सुथरा है, अच्छी क्वालिटी है. एडिबल कुकिंग ऑयल्स में इसका शुमार होता है. वाइटामिन्स जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं वो इसके अंदर शामिल हैं और साथ साथ फ्लेवर्स तो इन्हेंस करता है. फ्राइंग का हो या कोई भी कुकरी मेथड हो उसके लिए बहुत अच्छा होता है. सो नया कुकिंग ऑयल और वनस्पति घी का इस्तेमाल करें ताकि आपके लिए सेहत मुनासिब रहे. और स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कलरी आर्ट एंड होटल मैनेजमेंट, ये हमेशा से ही कोशिश होती है कि आपके लिए इस तरह की आसान रेसिपीज़ डिज़ाइन करके दें जो कि प्रोफेशनल भी हों और कभी कभी वो थोड़ी सी फ्यूजन भी होती हैं. हर जिसे कहते हैं हम कुजीन को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं स्किल्सन. www.skilsen.com को आप विजिट कर सकते हैं. साथ ही स्किल्सन के यूट्यूब चैनल जो कि स्किल्सन के नाम से ही मौजूद है उसको भी आप विजिट कर सकते हैं. और लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है. उसमें आपको मिलेंगी बहुत सारी मालूमात और इन्फॉर्मेशन. अस्सलाम वालेकुम रज़िया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक सर. बिल्कुल ठीक है. कैसे रहा आपके छुट्टी का दिन? बहुत बिजी हजर बजर कुछ कहते हैं, कुछ अजीब गरीब, बहुत अजीब भी रहा और गरीब भी रहा. हाँ. अजीब क्यों रहा और गरीब क्यों रहा? और आज की रेसिपीज क्या है जरा वो भी बता दें. आज बन रहे हैं स्पाइसी पोटैटो राइस बॉल्स और उसके साथ हम लोग बना रहे हैं करेले प्याज करेला की सब्जी. आप मुझे वो दे दें, फोक दे दें. जी अच्छा, अजीब क्यों रहा और गरीब क्यों रहा? ये मैं अटक गई हूँ कुछ अजीब पे. अजीब तो ठीक है, ये गरीब क्यों रहा? बारिश बहुत ज्यादा, उसके बाद लाइट का ना होना जो कि पूरा दिन नहीं थी और रात में आई. रात में आई लाइट आई, रात में आई. हमारे गांव में बिजली आई है लेकिन रात में आई है, रात में आई है. अच्छा जी, पोटैटो राइस बॉल के लिए मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 3 बड़े आलू थे जिनको बहुत अच्छे से बॉईल करके लाई है रज़िया. इसको बहुत अच्छे से मैं मैश कर रही हूँ. आप कॉल कर सकते हैं 03111 7545557 में और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं 03168810020 पे कॉल करके. सो इसको मैश करने जा रहे हैं, अच्छे से मैश करेंगे, अच्छे से मैश करेंगे इसको. इतना मैश करेंगे, इतना मैश करेंगे कि ये मैश हो जाएगा. ये देखें बड़ा स्मूथ इसको. और रज़िया, आज बारिशों में किस चीज़ का ऑर्डर डिलीवर किया तुमने? मैंने फ़िलहाल तो डिलीवर नहीं किया क्योंकि डिलीवरी बॉयज अवेलेबल नहीं थे. थोड़ा सा एहतियात कर लेना बेहतर है, मुनासिब है. मेरे एरिया में तो वहाँ पर बिजली भी गिरी थी तो वो थोड़ा सब डर गए थे. कहाँ गिरी थी? फेडर भी एरिया. अच्छा, मुझे नहीं मालूम. नहीं, जब बिजली हुआ है तो वो हमारी गली में ही थंडर. अच्छा, जब थंडर हो रहा था. अच्छा, वहीं पे हुआ था. और मुझे अल्लाह मुझे खबर नहीं, तुमने बताया नहीं रज़िया मुझे. है हाँ, वो शेफ लाइट नहीं थी तो मोबाइल नहीं था, मोबाइल नहीं था तो बातचीत भी नहीं थी थी तो आना भी नहीं था. ओए होए, बड़ी दुख भरी दास्तान है रज़िया की. ये सब मैंने सुन ली है लेकिन आज रज़िया बड़ी जग रही है माशाल्लाह, बड़ी खुश है रज़िया. इससे मैं प्रोग्राम के बाद पूछूंगी रज़िया आज क्या हुआ है. कुछ भी नहीं हुआ, जब मैं वापस वैसे ही खड़ी हो जाऊंगी. अच्छा जी, करेले प्याज के लिए 1/4 कप हम यहाँ पे तेल लेने जा रहे हैं. सो ये हमने यहाँ पे ऑयल ले लिया. अच्छा, यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 1/2 किलो प्याज है जिसको स्लाइस में काट लिया. सो वी आर गोइंग टू ऐड ताकि ये धीमे 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 थोड़ा सौते हो जाए और हल्का सा कैरेमल सा हो जाए. ठीक है ना रज़िया? सो इसलिए इसको मैंने एक तरफ प्याज को डाल दिया ताकि ये एक तरफ ये काम उतर है और एक तरफ मैं अपने मिक्सचर की तरफ आ जाऊँ. ठीक है ना रज़िया? इसको देख लूँगी ना. जी जी बिल्कुल. अच्छा जी, यहाँ पे ये आलू बहुत अच्छे से मैश हो गए. एक प्याज है मेरे पास फाइन चॉप, ये इसमें मैंने ऐड कर दी. सॉरी, गाजर. ये प्याज नहीं है, ये गाजर है. मुझे पता है भी ऑब्जेक्शन आ जाएगा लेकिन ये देखें जी, आप लोगों के ऑब्जेक्शन से पहले मेरे डायरेक्टर साहब का ऑब्जेक्शन आ जाता है. शेफ, आपने गाजर डाली है? मैंने जी, मैंने करेक्शन कर दी है. एक बड़ी प्याज और ये प्याज ही है, ये गाजर नहीं है. गाजर वो थी, एक दरमियानी गाजर थी जो फाइन चॉप ऐड किए. तो हो जाता है ना, मतलब क्या ऐसा हो जाता है. अगर मैं कोई भी नहीं बोल देता कि जी ये दे दो. अम्मी अम्मी खास तौर पे कहती हैं
कोई कोई चीज चाहिए थी ना, फिर से ये सामान निकाल दो, ये पकड़ा दो, ये आप वो सामान लेके खड़े रहेंगे। अम्मी कहती ये कब मांगा था, अम्मी आप इतनी देर से यही तो कह रही थी, ये तो थोड़ी कहा था, मैंने तो ये कहा था। बिल्कुल ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, वो आपके जहन में कुछ होता है। आप सो एक बड़ी प्याज फाइन चॉप ये हमने ऐड कर दी है इसमें, ठीक है जी, ये भी आ गई, ये लीजिए रजिया, ये भी ले लीजिए रजिया, सब ले लीजिए आप रजिया। इसे बहुत अच्छा वाया जो होता है ना, बड़ा हेल्दी रिलेशन होता है। ये देखिए हरी मिर्च है 3 से 4 फाइन चॉप, ये हम इसमें ऐड करेंगे, ये लो रजिया जी शेफ, जी शेफ तो मजे से होते जी शेफ। 1 टीस्पून फाइन चॉप गार्लिक, 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं, वैसे रिकमेंडेड 1 टीस्पून है और डाला मैंने 1 टेबल स्पून है। देखें बता के किए मैंने, गड़बड़ गड़बड़ नहीं की जो ऐड ऑन किया है, इसलिए बता के किया है बिकॉज थोड़े से गार्लिक का फ्लेवर अच्छा लगता है, आपके यहाँ गार्लिक का फ्लेवर कम इधर खाया चाहते हैं आप 1 टीस्पून ऐड करें, अदरवाइज आप 1 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। हरा धनिया 1 से 2 टेबल स्पून फाइन चॉप, बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है जी। स्पून देना है यहाँ पे, है रजिया है। 1 टीस्पून तिल इसके अंदर जाएंगे, काली मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर फॉर दोज जो के MSG एलर्जेंट हैं, प्योरली वेजिटेरियन है वो चिकन पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अदरवाइज 1 टीस्पून, ठीक है जी। ये आ गया गरम मसाला 1/2 चाय का चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा 1/2 चाय का चम्मच, लाल कुटी मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, कुटा धनिया 1/4 चाय का चम्मच, नमक हसबे लज़त या फिर 1/2 टीस्पून, ठीक है जी। ये हमने ऐड किया, साथ इसको किया हमने मिक्स। अच्छा जब इसमें मिक्स करेंगे ना, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आपके पास या तो लेफ्ट ओवर राइस हो, रात का बना उबला हुआ चावल हो, अदरवाइज आप फ्रेशली चावल उबाल लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे उसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं हो, हाँ वो प्रॉपर स्ट्रेन हुआ हुआ, जो प्रॉपर स्ट्रेन हुआ हुआ होगा तो वो मैश ही नहीं होगा। सो वो तकरीबन 1 से 1.5 कप होने चाहिए, वो आप इसमें ऐड कर देंगे। देख रही हो रजिया ये बहुत अच्छा बन जाएगा, बहुत अच्छा मज़ेदार, बिल्कुल अच्छा। रजिया मुझे ना ग्लव चाहिए, थैंक यू, तुम भी रजिया ग्लव पहन लेना, ये वाला तो मुझे दे दो, हाँ तुम अपने ग्लव्स पहनो, 2 ग्लव्स पहनो ताकि तुम जब काम करोगी तो अपने ग्लव्स पहन लो, ठीक है जी। इसको हमने क्या किया, मिक्सिंग करनी है बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथ तरीके से, इसका भी बैटर भी बनेगा फ्राइंग के लिए। देखिए इस तरीके से आपने इसको बड़े स्मूथ आपने इसको मिक्स करना है। अच्छा आप अगर होटल्स वगैरह में जाए ना, बड़े होटल्स में जाते हैं, जो स्टार्टर्स मिल रहे होते हैं आपको, कॉम्प्लीमेंट्री फूड मिल रहा होता है, वो बेसिकली इसी तरह का फूड होता है जो कि उनके पास कुछ मटेरियल मौजूद होता है, उससे वो नई चीज़ें बना देते हैं और इस तरह के खाने बना देते हैं कि आपको लगता है कि ये बिल्कुल यूनिक रेसिपी है। सो उससे क्या होता है, आप लोग बड़े सभी बड़े खुश होते हैं कि जी हमें इनोवेटिव खाने, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे इसका बर्नर ऑन कर दें, इसमें नया कुकिंग ऑयल डाल दें और बाकी उससे मक्से इसमें ऑयल ऐड कर दें। सो ये देखें इसकी मिक्सिंग कर दी, इसमें चाहें अगर आप येलो कलर ऐड करना चाहें सो दैट इज़ योर चॉइस, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, नहीं करना चाहें तो आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, कोई ऐसी बात ही नहीं है। सो ये देखें आप उसका टेक्सचर दिखा, इसमें अगर आप चिकन या वो कीमा उबला हुआ इस्तेमाल करना चाहते हैं या वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी-कभी गोश्त बच जाता है तो उसको भी श्रेड करके डाल सकते हैं, लेकिन नॉट ऑल द टाइम कि मीट डालना है आपने, नहीं हर वक्त मीट भी अच्छा नहीं होता, ठीक है जी। ये देखें अच्छा थोड़ा सा ऑयल 1 चम्मच दीजिएगा मुझे, हल्का सा दे, हाँ बहुत है हल्का सा, मुझे हाथ ग्रीस करना है बस, ठीक है। आपने हल्का सा हाथ को ग्रीस करना है, उससे आपने क्या करना है
इसकी बॉल्स बनानी है। ये देखें इस तरीके से हमने इसकी बॉल्स बनानी है। बॉल्स बना के एक तरफ हम रख रहे हैं, इसका बैटर बनाएंगे, लेकिन बैटर बनाएंगे आपके सामने वक्त हुआ एक ब्रेक का। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। यहाँ देखिए जी, ये सारी बॉल बन चुकी है और ऐसा लग रहा है ये लड्डू हैं, रवे रवे के जो लड्डू होते हैं और कुछ जो मोती चोर चोर के लड्डू होते हैं, बड़ा मिक्स सा टेक्सचर नहीं हाँ, आता उसके कुछ ऐसा ही है ना। कुछ दूर से अगर इसको सर के में देखे तो ये मीठे लड्डू लगेंगे, है ना, इसमें जो ये नुक्ती दाना जिसमें डला। और अच्छा पता है, ये जो फ्राई होते हैं ना, ये बड़े मजेदार बड़े यम्मी होते हैं ये। अच्छा जी, ये दो अंडे हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, वो बना रहे हैं ना, बैटर बना रहे हैं इसकी फ्राइंग। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, रजिया जी शेफ स्पून दे दें मुझे। दो अंडे, एक दो तीन चार टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। अच्छा ये बड़ा आपने देख लेना है कि कॉर्नफ्लावर है कि आइसिंग शुगर है, वो पता चलता है कि वो एक जैसी चीज़ें निकली भी रखी होती हैं। आइसिंग शुगर की जगह कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर की जगह आइसिंग शुगर चली जाती है बाज़ूकात। सो ये बड़े मसले हो जाते हैं, पता चला वो अंदर से नमकीन है वो अपना बॉल्स, ऊपर से मीठी कोटिंग लग गई उसको, वैसे बन सकता है। अच्छा जी ये देखें, ये वो है ब्रेड क्रम है, इट शुड बी फाइन इम्पोर्टेड, लोकल में इसे नहीं लेना है, लोकल में मिठास आती है, पापों का चूरा दे देते हैं, सो आपने एहतियात करनी है इसको लेते हुए, आपने इम्पोर्टेड लेना है। एक दो तीन चार एंड दैट इज फाइव, फाइव हो गया। साथ में ये सेसमी सीड, ये जाएंगे, चिकन पाउडर आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर एक चौथाई चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च पाउडर एक चौथाई चाय का चम्मच, नमक एक चौथाई चाय का चम्मच, गरम मसाला एक चौथाई चाय का चम्मच। रजिया मुझे ना थोड़ा सा पानी रिक्वायर्ड होगा, सो इसमें आपने ना ग्रेजुअली पानी डालना है, इकट्ठे नहीं डालना है ताकि ये अच्छा सा बैटर बन जाए। हाँ बहुत ग्रेजुअली डालिएगा, आहिस्ते आहिस्ते, यस एग्जैक्टली, इस तरह ऐसा हाथ रोकिएगा मैं इसको। हाँ अच्छा, थोड़ा सा हल्का सा ग्रेनी होगा, नॉट टू मच स्मूथ, स्मूथ इन अ सेंस के रनी होगा, लेकिन ये ग्रेन हल्का इसमें यूँ नज़र आएगा कि हमने ब्रेड क्रम इसमें ऐड किया है ना, सो यू कैन सी, देख रहे हो रजिया, ठीक है। अच्छा इसमें हल्का सा कलर भी जाएगा, येलो कलर, पिंच ऑफ ना, अट्रैक्टिव हो जाएगा, ओ आई अपीलिंग जो होता है ना बेटा। तो रजिया इसमें थोड़ा सा पानी डालो, दो से तीन टेबल स्पून, बस बस ये देखें। अच्छा अगर आप बाहर देखें ना तो ब्रेड क्रम भी कलर्स में आते हैं, ऑरेंज कलर के, येलो कलर के, वो बड़े मज़े के लगते हैं ना, दिखने में भी बड़े अच्छे लगते हैं। उसमें आप फ्राई करते कोई भी चीज़ तो वो और मज़े की लगती है। दो तीन टेबल स्पून और जाएगा इसमें, एक दो, अभी तीसरा टेबल स्पून रोक लेंगे। अच्छा पानी आपने ना इसी तरह हाथ रोक के डालना है, प्याज हो गई है रजिया, तो रजिया इसमें ये हम अभी करेले ऐड कर देते हैं, ये पहले ऐड कर दें। ये है हमारे पास लहसुन का पेस्ट, दो टेबल स्पून रजे, ये प्याज में ऐड कर दें, डाल दें सारा डाल दें रजे, ठीक है, बस इसको मिक्स कर दें। जब ये थोड़ा सा लहसुन हो जाएगा, सो व्हाट टू डू, ये देखिए हमारे पास करेले मौजूद हैं। करेले को आपने क्या किया था, हल्का सा पील किया, उसको काट लिया, काटने के बाद हमने उसको कोई नमक नहीं लगाया, कोई मिर्च नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, सिंपल हल्का सा ऊपर से यू क्रश करना है उसको, उसको आपने काटना है। और ये देखें ये डीप फ्राई कर लिया, डीप फ्राई इतना किया कि आपको उसकी क्रिस्पीनेस नज़र आ रही होगी, जैसे प्याज को फ्राई करते हैं, ठीक है। सो आपने इस तरह इसको फ्राई करना है, फ्राई करके आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं, फॉर दोज आर डायबिटिक्स, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, उनको पूरा साल करेले खाने होते हैं ना, सो आप उसको इस तरह फ्राई करके रख सकते हैं। तो बहुत अच्छा तरीका हो जाएगा जब दिल करे आपका, इतनी मुश्किल नहीं रहती, ये वन गो वाली बात होती है, आपने एक दफा में थोड़ी मेहनत कर लेनी है।
ठीक है जी। इमली का पल्प आधा कप, इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिएगा, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो तो 3-4 टेबल स्पून डालिएगा। 3 से 4 हरी मिर्चें, बहुत डिफरेंट रेसिपी है, यू हैव टू ट्राई, आपने ट्राई ज़रूर करनी है। ये 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर, भुना कुटा ज़ीरा 1/4 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1/4 चाय का चम्मच, नमक 1/4 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, लाल कुटी मिर्च 1/4 चाय का चम्मच, सौंफ 1 चुटकी, कुटा धनिया 1 चुटकी, हल्दी 1 चुटकी, धनिया पाउडर 1 चुटकी। ठीक है, अब कर दें रजिया इसको मिक्स। आप देखिए स्पाइसेस मैंने बहुत थोड़ी मिकदार में डाले, मैंने कहीं पे भी स्पाइसेस भर के नहीं डाले। इसको आप जितना लो स्पाइस के साथ बनाएंगे, मिर्ची आप अकॉर्डिंग टू योर फ्लेवर कर सकते हैं, बट बाकी स्पाइस का जो लेवल है वो आपने बड़ा मॉडरेशन में रखना है। इसमें जाएंगे बहुत सारे मसाले, लेकिन पिंच और 1/4 टीस्पून करके वो इसके फ्लेवर्स को जो है बैलेंसमेंट देंगे, अदरवाइज इसका फ्लेवर डिजास्टर हो जाएगा। ठीक है, आप इसका टेक्सचर देखें, हाउ ब्यूटीफुल दीज आर। सो इसको बिल्कुल हल्का करते हैं रजिया इसका ना चूल्हा, और ये बस ये 5 मिनट पकेंगे और ये तैयार हैं। सो हम हरा धनिया डाल के सर्व कर देंगे। सो यहाँ पे देखें, ये देखें ये मिक्सचर बड़ा अच्छा सा तैयार हो गया। देखें रजिया, अब डाल दें इसमें 2 टेबलस्पून और पानी। इसको हमने पानी इसलिए रोका था कि इसमें जो ब्रेड क्रम है वो थोड़ा सा फूल जाए, ठीक है, ताकि वो अपना जो टेक्स्चर है वही वाली बात है कि रोजाना एक ही चीज़, एक ही, हाँ बिल्कुल नहीं। अच्छा वक्त देखें, करेले हो गए हैं, ठीक है जी, बस हम इसको अब सर्व करेंगे। इसको बिल्कुल धीमी हमने आँच रखी हुई है ताकि गरम गरम इसको सर्व कर दें। रजिया इसको टर्न करेंगे ना बॉल्स को साथ साथ, और इसमें तिल है ना तो देखो ये बड़े मजे के लगेंगे, ये खाने में हल्के से वो अपना एक फ्लेवर देगी, और बहुत मसाले भी नहीं डाले। हाँ, और बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं इसको, इमली की चटनी के साथ खाएं आप, दही के रायते के साथ सर्व करें इसकी बेस में आप, तो सब चीज़ें बहुत मजे की लगती हैं। इस तरीके से आपने इसमें चमचे से इसीलिए डाल रही हूँ उसमें ऑयल में, कि आप लोगों को वो फोक से हैंडलिंग थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, हम तो कर लेते हैं बट आप लोगों के लिए आसानी होनी चाहिए। जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी जा रही है ना तो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दें ताकि ऑयल का टेम्परेचर लो पे ना चला जाए। फिर हम करेले भी निकालते हैं, और ये जैसे जैसे फ्राई होता जाएगा उसको जो लेटस लगी हुई वो है प्लेटर, उसमें निकालते जाएं। ये जो बैटर अगर आपके पास बचे आप इसमें मज़ीद कोई चीज़ भी फ्राई कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आप फ्रीज कर दें, ख़राब नहीं होगा इधर कि इसमें अंडा है बच्ची, ख़राब नहीं होगा, आप इसको एक हफ्ते तक फ्रीज कर सकते हैं। सुन रही हो रजिया जी? सर आज मुझे लग रहा है रजिया को मज़ा आ रहा है प्रोग्राम करते हुए, आई फील ऐसा है रजिया, कह सकते हैं नहीं वो एक पता चलता है ना, एक घबराहट नहीं है रजिया को, वैसे भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक जो एक होता है ना, खुद से बहुत अच्छा लग रहा होता है काम करना। सो आज शी इज़ फीलिंग मच बेटर। सो रजिया वो ला दो मुझे प्लीज़ प्लेटर, और 2 फोक दे दो, मैं इसको निकाल दो। हाँ यही दे दो, एक वो तो बैटर वाले स्पून दे दो, मैं इसमें स्पाइडर नहीं स्पून दे दो। ठीक है, थैंक यू रजिया, ये निकाल दें। करेले तैयार हो गए, करेले भी हम डिश आउट करते हैं, और साथ साथ जो जो बॉल्स हमारे पास होते जा रहे हैं हम उनको डिश आउट करते जाते हैं ऐसे, और टर्न भी करते जाते हैं साथ साथ।
इसमें तिल आप देखें बड़े अच्छे नजर आ रहे हैं, अगर थोड़ा सा आप फोकस करेंगे ना आपको तिल नजर आएंगे ऊपर। ये देखिए अब ये बरसात के हिसाब से अगर जो देखा जाए तो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है। रजे हरा धनिया थोड़ा सा डाल दें, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। डन है जी शेफ? वाओ बहुत अच्छे से करेले गरम गरम पराठे नान चपाती बिल्कुल। रजे इसको टेबल पे रख दें प्लीज़, इतना प्यारा कोई अरोमा आ रहा है ना इस वक्त इसका, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत प्यारा अरोमा आ रहा है। तिल की अपनी एक खुशबू है, ब्रेड क्रम का अपना एक टेक्सचर फ्लेवर आता है, सो है ना रजिया? बहुत क्विक और बहुत इजी रेसिपी है। और देखो तिल कैसे नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर। और फॉर दोस्त के बच्चों के लिए आपको पता है तिल बहुत अच्छे होते हैं, जिनको यूरिन का इशू होता है बच्चों को बार बार, जिनका कहा जाता है बार बार अर्ज होती है बच्चों को वॉशरूम जाने की, इवन दो बड़े भी बस एक मिनट का ये काम है मेरे पास। देखें सूप तकरीबन फ्राई हो गए, सो जिनको बार बार वॉशरूम जाने की अर्ज होती है, यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, उनके लिए तिल सफ़ेद तिल हो या काले तिल दोनों ही बहुत हेल्दी हैं, उनको खाने चाहिए बच्चों को और बड़ों को। अगरचे वो डायरेक्ट चबा के नहीं खा सकते हैं सो उनको मील में ऐड ऑन कर दीजिए, उनके खाने में डाल दीजिए, पीस के डाल दें। तहीनी पेस्ट ही हमने रेसिपीज़ बताई हैं, वो भी तिल का पेस्ट है, वो भी डाला जा सकता है। सो चीज़ें बड़ी अगर हम थोड़ा सा स्टडी कर लें चीज़ों को तो चीज़ें इतनी मुश्किल या कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कि हम समझते हैं। बस ये बाकायदा स्टडी वाली बात है कि उसको पढ़ना और समझना ज़रूरी होता है, और इस क्वेश्चन की हमेशा से कोशिश होती है कि जब आपको पढ़ाएं बताएं चीज़ें तो हर चीज़ बड़ी क्लियर तरीके से समझा दी जाए। सो ये दो बॉल्स और हैं, ये निकालते हैं और फिर इसको हम सर्व करते हैं, और फिर प्रोग्राम का चूँकि टाइम बिल्कुल ख़त्म पे है आपसे इजाज़त भी मांगेंगे। और ये देखिए जी ये हो गया है तैयार, एक प्लेटर पूरा तैयार हो जाता है तो बड़ा खूबसूरत लगता है। सो यू कैन सी बड़ा प्यारा सा प्लेटर तैयार हो गया है। अच्छा इसमें क्रिस्प कलर बड़ा अच्छा आना चाहिए, गोल्डन कलर रहना चाहिए। सो यू कैन सी ये तैयार हो गया। रजिया आप देख लेंगे बाकी, इसको आपने केचप के साथ टैमरिंड सॉस के साथ, थैंक यू रजिया, टैमरिंड सॉस हो केचप हो या फिर रायता हो सब चीज़ों के साथ ये बहुत मज़े का लगेगा। बहुत जल्दी बनने वाली बहुत क्विक बहुत अच्छी रेसिपीज़ हैं, आपने ट्राई करनी है। सबसे अच्छी बात पॉकेट फ्रेंडली है, बच्चे भी बना सकते हैं। सो आपने ये रेसिपीज़ ट्राई करनी है, मुझे फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलना है, मुझे मेरी पूरी टीम को रखना है आपने दुआओं में याद। कल फिर मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जाते जाते अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, साथ साथ अपने साथ दूसरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अच्छे टुमारो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।